क्या आपने कभी सी से टेक ऑफ किया? नहीं। क्या आपने यस आइलैंड को टॉप एंगल से देखा? नहीं। क्या आपने सी पे लैंड किया? नहीं। मैंने भी नहीं किया, पर आज करेंगे। Hey guys, तो ये है डे थ्री ऑफ देसी एक्सप्लोरर्स यस आइलैंड। आज एक सरप्राइज है। आज हम टेक ऑफ करने वाले हैं। आज हम लोग बहुत जल्दी उठे, 5:30 इन द मॉर्निंग, और 7:30 बजे हमें वहाँ में पहुँचना था। इट वॉज वेरी स्ट्रिक्ट दैट इफ यू कम लेट वो प्लेन बुरा मान जाएगा। सुबह सुबह फुल एक्साइटेड होके, फुल सब तैयार होके जब वहाँ पर पहुँचे, यू नो, हमारा सेफ्टी डेमोंस्ट्रेशन हो गया, हमें वीडियो दिखा दिया गया, एवरीथिंग वाज डन, वी गॉट आवर बोर्डिंग पासेस। पता चला हम टाइम पे पहुँचे, फिर भी प्लेन बुरा मान गया। हम एक्चुअली सुबह 7:30 से यहाँ बैठे, बट अनफॉर्चुनेटली एक डस्ट स्टॉर्म अबू धाबी में आया हुआ है, जिसकी वजह से and we had to wait for probably 1 hour, 1.5 hour, and guess what we all were doing? Do you remember our Kareena wala dance? Bunny, 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 re bunny. दो बहुत बड़े नौटंकी लोग हैं, उसमें एक है सृष्टि रोड़े और दूसरा है जय सोनी। दे लिटरली इनैक्ट बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स, वर्ड टू वर्ड, एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन। फाइनली मैंने अपना कैमरा निकाला एंड देन आई डिड अ लॉट ऑफ फोटोग्राफी। इतनी पिक्चर्स खींची है, कभी मैंने पूजा की, कभी पूजा ने मेरी, और हमारा पोर्टफोलियो बन गया। शी इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट फोटोग्राफर। सो ये हमने वहाँ पे टाइम पास किया, तभी अचानक हमारे पास वो लेडी आती है कि चलिए लेट अस स्टार्ट। यो, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर because we are taking off from a sea and landing back again in the sea. And the thought of taking off sea se or landing, that only happens in case of emergencies, but here it's gonna happen in case of some fun. ब्लू पानी और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ऊपर से देखना वो सो ब्यूटीफुल, एक मॉस्क नजर आ रही थी, यू नो दैट शाइनिंग गोल्डन डोम। वी सॉ एवरीथिंग, ऑल द पोर्ट्स, ऑल द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स दैट दे हैव, द वे यास आइलैंड इज एंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तभी आप एंजॉय कर पाएंगे जब आप खुद इसको एक्सपीरियंस देखेंगे। तो ये तो हमारा सुबह का उड़न तस्तरी थी। सी प्लेन वाज अमेजिंग, देन वी वेंट फॉर लंच और हमने क्राउन प्लाजा में बहुत यम्मी सा लंच किया। आप लोगों के जो जितने वेजिटेरियन है ना, यू विल बी सरप्राइज्ड कितना खाना है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वेज में क्या मिलेगा, मतलब वाज अ फ्यूजन क्विजीन, देयर वाज ओरिएंटल इंडियन दाल चावल, you know, a bit of Punjabi. Then there was this lamb biryani. फिर हमने उसको खाने को पचाने के लिए भी ना हमने मीठा खाया, उसके नीचे क्या हमने green tea with honey. We had like amazing food. I think we had a great time, you know, at lunch. And then we moved on to the second most amazing and exciting part of the day, and that is yachting. So it was a trip for half an hour, जो बेसिकली एक यॉट पे था। इट वॉज अगेन 30-35 minutes यू नो जर्नी। सो वी वेंट टू मेन अबू धाबी सिटी। सबने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया यॉट में, सबसे ज्यादा मजे उठाए मैंने, तानिया ने और पूजा ने।
मुझे बड़ा अच्छा फोटो शूट करने को मिल गया. कोई यॉट के अंदर थे, चिट चैट कर रहे थे, कोई बाहर फोटोग्राफी कर रहे थे, बिकॉज़ द व्यू वाज अमेजिंग, इट वाज आउटस्टैंडिंग. यॉट ना तो टेढ़ा चलने लगा ये वो. तो मैंने कहा ये हो क्या रहा है, तो मैंने जाके देखा तो यॉट चला कौन रहा है, टीना. मैंने एक्चुअली यू नो आई वाज ट्राइंग टू लाइक टॉक टू दिस कैप्टन एंड यू नो आई थॉट यू नो ही विल बी रियली स्वीट एंड ही विल से ओ यू वांट टू कम, यू नो यू वांट टू लाइक ड्राइव द यॉट एंड ऑल दैट. तब तक टीना तो बैठ गई कैप्टन की कुर्सी पर. टीना हटे ही ना, टीना ने कहा मैं तो नहीं हटी, मैं तो चला के रहूंगी आज पूरी. फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने वो पूरा यॉट, मैंने आई वाज सेलिंग द यॉट. हम सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो यॉट चलाने का मौका मिलता, बट टीना ने वो यॉट चलाई. टुडे आई फुलफिल माय विश, सो आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एंजॉयड टू द कोर. आई थिंक इट वाज फन बिकॉज़ वी वेंट थ्रू ऑल दोस आइलैंड्स दैट वी सॉ फ्रॉम टॉप. It was beautiful, beautiful. उसके बाद हम होटल आए और पता नहीं क्यों हमें स्विमिंग पूल में जाने का मन हुआ. हमें समुंदर में वाली फीलिंग आने लगी. मैंने और तानिया ने इतनी मस्ती की है. वो बच्ची पागल है, मतलब एक तो लिटरली बच्ची है, बट शी सुपर फन एंड शी सो क्यूट. मुझे वो पानी में डुबाने की कोशिश करी, मैंने सबसे पहले उसको से धक्का मार के ऐसे धोखे से अंदर डाल दिया एंड देन शी स्टार्टेड पुलिंग मी इन द पूल. आज हमने सब पानी के रिलेटेड किया, आज हमारा पूरा दिन द होल डे हैज बीन डेडिकेटेड टू वाटर. हमने मस्तियां करी स्विमिंग में, बहुत चिल किया. But we got so exhausted. फिर हम बाहर आए, we got ready and then we went for dinner. जहाँ पे हमने खाना खाया उस रेस्टोरेंट का नाम था अंगार. हम गए अंगार. The whole hotel's name is Viceroy. So नाम से ही पता चलता है कि बहुत ही spicy, बढ़िया authentic Indian खाना. और उन्होंने हमें starter में दिए पापड़, चार तरह की चटनी के साथ. उंगलियाँ चार चार के पापड़ खा ही रहे थे, हमारे सामने आए समोसे. तुमने क्या खाया था? लैम, चिकन, पालक, पनीर. मैं बेसिकली सब कुछ खाता. यू विल सी, इतना बड़ा प्लेटर आया था हम सबके लिए और उसमें चार अलग अलग टाइप की मिठाई थी, जो डीकंस्ट्रक्टेड मिठाई थी. आप खुद आइए, आप अंगार जाइए एंड यू विल रियलाइज What great food Angar has. तो उसके बाद हम लोग गए rooftop पे. It was very nice. The Shisha Lounge, जहाँ ऊपर जब बार गए थे हम, that Shisha Lounge is called Skylight. Particular hotel is the only hotel in the world which is right by the F1 track. So in short, इतनी sexy जगह थी, हमने बहुत मजे किए, बहुत मस्ती की और आज का जो दिन था, it started with very nice excitement, this that, or it ended with nice chilling sessions. You know, so this was day 3 full on मस्ती धमाल. Yes, come back for day 4. And surely visit Yas Island. It's like amazing and I'm sure you guys gonna enjoy it. Day 3 was awesome and stay tuned for day 4. Yeah, bro.